लोग क्या कहते हैं दूर से मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझा हूं, उनको जाना हूं, जो ह्यूमन बींग बहुत ही अच्छे इंसान है, तो मैंने उनको कई बार देखा है वेनेटी में नहीं जाते चेंज करने के लिए, अरे गमछा ले आओ, बोलो ये गमछा चेंज कर लेता नहीं। मैं डायरेक्टर, मैं मेरी जो मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं पूरा विजुअलाइज करता हूं पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। यूपी में हम शूट कर रहे हैं, धर्म जी मैं आपसे बोल रहा हूँ आइए एक दिन के लिए, मतलब निमंत्रण आपको दे रहा हूँ, आप अपनी टीम के साथ आइए, बहुत मजा आएगा। हीरोइन जो है काफी नाराज आपसे चल रही है इंडस्ट्री की कि भाई हर एक फिल्म में आप हीरोइन चेंज कर जाते हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश, और इस वक्त मेरे साथ हैं भोजपुरी के जाने माने डायरेक्टर लाल बाबू पंडित साहब। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी मुझे बुलाने के लिए हिंदी रश में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव साहब के साथ में आपने तीन फिल्में लगातार डायरेक्ट की हैं, कौन कौन सी हैं वो? जिला चंपारण मेरी पहली फिल्म थी खेसारी जी के साथ, दूसरी थी हमारी राजा जानी, और तीसरी फिल्म पिछले साल ही रिलीज हुई थी कुली नंबर वन। अभी हम 18 फरवरी से फिर एक फिल्म करने जा रहे हैं, खेसारी जी हीरो हैं, उसके बाद और एक फिल्म है राजा की आएगी बरात, तो अभी 18 फरवरी से हम लोग शूट पे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, खेसारी साहब के बारे में तो आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि पवन सिंह के साथ क्यों नहीं, दिनेश लाल यादव के साथ क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करते उनके साथ फिल्म? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल जब हम कलकत्ता इंडस्ट्री से हम बिलोंग्स करते हैं, वहाँ बंगाली फिल्म वगैरह मैं बेसिकली एक्टर था, उसके बाद डायरेक्शन में आया। जब मैं मुंबई आया था भोजपुरी फिल्म करने के लिए, तो 15 दिन की एक स्ट्रगल थी हमारी खेसारी जी को साइन करने के लिए, उन्होंने मेरे ऊपर फेथ किया, तो खेसारी जी से को हमने खेसारी जी के साथ वो पहली हमारी जिला चंपारण जो 15 दिन का स्ट्रगल मुंबई का दिखता है, और एक ऐसी बॉन्डिंग आज के डेट में हो गई है ना, तो खेसारी जी के साथ जो भी हम सब्जेक्ट पे हम लोग ये करते हैं तो बॉन्डिंग हो गई है। और वैसी कोई स्क्रिप्ट आएगी मेरे पास तो ज़रूर दिनेश जी के साथ, पवन जी के साथ, और हमारे नए नए कलाकार जितने भी हीरोज हैं जरूर करूँगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, खेसारी जी के बारे में बात करें, अभी आपने बहुत ही अच्छा कुली की बात कर रहे हैं, कुली नंबर वन की बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, थिएटर में भी लोग अच्छा खासा देखें, ये वो खेसारी जी को लेकर के कुछ बातें जो चलती रहती हैं मार्केट में, बाज़ार में, कि भाई अलग किस्म के हैं, बहुत उनकी बनती नहीं लोगों से, आपने काफ़ी दिन बिताया उनके साथ। मैं खेसारी जी लोग क्या कहते हैं दूर से मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझा हूं, उनको जाना हूं, एज ए ह्यूमन बींग बहुत ही अच्छे इंसान है, और इतने बड़े स्टार होते हुए भी कभी भी हमने 3 फिल्में की हैं उनके साथ, कभी भी स्टारडम नहीं दिखता है धर्म जी सेट के ऊपर। वेनेटी में जब मेकअप लिया और सेट पर जब आ जाते हैं फ्लोर पर, तो मैंने उनको कई बार देखा है वेनेटी में नहीं जाते चेंज करने के लिए, अरे गमछा ले आओ, बोलो ये गमछा चेंज कर लेता नहीं, फ्लोर पे ही करते हैं, और इतना एनर्जेटिक रहते हैं फ्लोर पे ना, पूरी यूनिट बहुत खुश रहती है। मैंने काम में एक होता है ना इंतजम, जो हीरो मेन जो है हीरो ये है, तो चलो भाई सब खुशअप रहता तो काम अच्छी होती है, वैसी कुछ बात नहीं है खेसारी जी। हमने जो हम जहाँ तक उनको देखे हम, तो हमारा तो ऐसा ना लगा कि खेसारी जी बड़ा ऐसा बड़ा ना, बहुत अच्छे इंसान है वो। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि डायरेक्टर और हीरो के बीच हमेशा झगड़ा होता रहा था, अगर आप कभो उनका कुछ कथा कहा था कि ना ही ये वाला सीन ठीक ना बा, वो वाला सीन करा, हाँ। तो मानत इनका कि अपन स्टारडम दिखावा नहीं, नहीं, नहीं होता है। अगर एगो बढ़िया चीज अगर देखिए कोनो फिल्म हो खेला धर्म जी, तो ये टीम वर्क बाटे, टीम वर्क बाटे, अकेले डायरेक्टर के चाहे हीरो के चाहे नहीं के फिल्म, जे 100 गो यूनिट काम करत हर एक आदमी जो प्रोडक्शन के लेकर बाद चाय पियत ओकरो फिल्म बाटे, तो हम ऐसा इंसान हैं जो हम सजेशन लेवें, होता है हम लोगों में डिस्कशन, लेकिन खेसारी जी अगर डिस्कशन से अगर अच्छी चीज़ निकलती है तो रिजिट नहीं रहते हैं खेसारी जी, जना हजे करेगा पड़े नहीं कभी नहीं, और उनको लगा वो भी है फिल्म में, तो उनको लगा अगर इसको ऐसा किया जाए। मैं डायरेक्टर, मैं मेरी जो मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं पूरा विजुअलाइज करता हूँ पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, तो मेरे दिमाग में एडिट का भी सेंस रहता है, इसके बाद क्या क्या क्या, अब वो जब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर मुझे अच्छी लगती है तो जरूर करता हूँ, नहीं लगती है तो उनको कहता हूँ सर अगर हम इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इस जो हमने सोचा है शायद इस तरह करेंगे तो बढ़िया होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं रिजेक्ट रहते नहीं, इसको चेंज कर दो ये कर दो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कैसा मूड होता है सेट पे आने के बाद? बहुत जॉली, बहुत जॉली है, यूपी में हम शूट कर रहे हैं धर्म जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ आइए एक दिन के लिए, मतलब निमंत्रण आपको दे रहा हूँ, आप अपनी टीम के साथ आइए, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल मजा तो आएगा ही, जहाँ खेसारी हों आप, हाँ, जैसे दिग्गज हों, हम देखेंगे कैसे हम लोग किस तरह जो 20-25 दिन गुजर जाती है सेट पे पता ही नहीं चलता कब पैकअप होने के बाद थोड़ा मन भी खराब हो जाता है, बहुत मटरगस्ती करते हैं, हंसते खेलते हम लोग काम करते हैं खेसारी जी के साथ। अच्छा, और
हीरोइन जो है काफ़ी नाराज आपसे चल रही है इंडस्ट्री की कि भाई हर एक फिल्म में आप हीरोइन चेंज कर जाते हो, जोड़ी के खिलाफ काम कर रहे हो आप, मतलब जोड़ी बनने नहीं देते खेसारी जी की, कहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं धर्म सिंह जोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट जोड़ी देखकर नहीं लिखा जाता है ना सर, तो जोड़ी की बात नहीं है। अगर कूली नंबर वन तो काजल जी को हमने लिया था ना, उसके पहले हमारी जिला चंपारण फिल्म थी उसमें हमने नई मणि भट्टाचार्य को लिया था, दूसरी रायजानी थी प्रीति विश्वास एंड और एक देवोस्मिता थी कूली नंबर, और एक हमने लड़की को लिया पूजा गांगुली जो भी काम कर रही है अच्छी, तो बंगाल में हमारे हैं अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हैं, तो मुझे लगता है जो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम नए को हम ले सकते हैं इनके अगेंस्ट में, इनका अपोजिट अगेंस्ट बोले सॉरी अपोजिट ले सकते हैं इनको। एक डायरेक्टर की नज़र से एक फिल्म जब आप बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं उसमें होनी चाहिए? कॉन्टेंट, हीरो कोई नहीं है सर, सब्जेक्ट हीरो होता है, नहीं तो हर स्टार की फिल्में सुपर डुपर हीरो। हमेशा ही एक सवाल जो है आपकी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है कि फिल्में तो बहुत महंगी बनाई जा रही हैं बट थिएटर पे जाकर नुकसान हो रहा है, थिएटर में फिल्में चल नहीं रही हैं, बहुत कम पैसे आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये सच्चाई है इस बात में? अगर मानते हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके पीछे वजह क्या है? नहीं सर, थिएटर की जो है वो तो हुई है, थिएटर में लोगों का आना दर्शकों का आना बहुत कम हुआ है, तो उसकी जो है जो हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी आती, गलतियाँ शायद हमने की होगी जो थिएटर से लोग दूर गए हों। कैसे फिर फायदा कैसे होता है अगर थिएटर में फिल्में नहीं चल रही हैं, आप डायरेक्टर हैं आपका तो खैर, लेकिन फिर भी फायदा कैसे होता है अगर अब मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ? देखिए फायदा अब तो प्रोड्यूसर ही बताएंगे क्या फायदा क्या ये है, बट अगर सब्जेक्ट अच्छी हो, प्रोजेक्ट अगर सही ढंग से बनाया जाए तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पता चलता है जो ऑन टेबल मैंने बिफोर रिलीज आपके पास क्या रिकवरी आने वाली है। नहीं लेकिन ऐसा बीच में होने लग गया था कि खेसारी लाल यादव को ले लो, पवन सिंह को ले लो, दिनेश लाल यादव निरहुआ को ले लो, फिल्म पैसा वसूल, आज क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं, मतलब नहीं नहीं क्या अब ये बड़े चेहरे काम नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं बड़े हम बताए ना सर, कंटेंट कहानी सब्जेक्ट हम बना रहे हैं भोजपुरी, तो मुझे मिट्टी की ही सब्जेक्ट उठानी पड़ेगी, मुझे मिट्टी की सब्जेक्ट उठानी तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्यों हम अपनी भोजपुरी में 3-4 फाइट सीन रख देते हैं, साउथ की एक फाइट 10 दिन में कंप्लीट करती है, हमारी एक दिन का बजट हमारे पास नहीं, एक दिन में करना, तो आज हर मोबाइल पे यूट्यूब में सब जगह साउथ की फिल्में डब फिल्में आ रही हैं, तो वो फाइट अगर ऑडियंस देखती है तो हमारा भोजपुरी कौन देखेगा? रितेश पांडे हैं जी, ठीक है जी, चिंटू है जी, और अरविंद अकेला कल्लू है, प्रमोद प्रेमी है, यश कुमार हैं जी, काफी ऐसे जो नए यंग स्टार हैं, आपके नजर में बड़ा स्टार कौन, छोटा स्टार कौन, आप कैसे देखते हो एज ए डायरेक्टर? रितेश है, चिंटू जी हैं, यश जी हैं, लोग अच्छे एक्टर हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का भी हो रहा है और माशाल्लाह होगी बिल्कुल। और जाते जाते बस आप इतना बताते जाएं कि अब कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिसमें आप अपने चमत्कार से उसे बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। नहीं सर लेवल क्या, हम तो अपनी मेहनत करेंगे अच्छी फिल्म बनाएंगे, हीट और फ्लप तो सर जनता जो ऑडियंस हमारी है, हम तो अपनी मेहनत पूरी देंगे अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, और हीट और फ्लप तो अगर मैं जानता सर हीट बम्पर हीट होने वाली है तब तो हर फिल्म में ही, इसी बात नहीं है सर, फिल्म अच्छी बनाएंगे और जनादेश जो इलेक्शन में जनादेश देता है नेता लोगों, तो हमारे लिए तो श्रोता ही हमारे दर्शक हैं वहीं बताएंगे। अगर वन लाइनर आपको आपके बन रहे फैंस और दर्शकों से कहना हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में, अगर आपको लगता है जो वल्गर फिल्म है गंदी फिल्म है तो मत जाइए, अगर अच्छी फिल्म है जिस तरह आप वल्गर फिल्मों को गाली देते हैं तो अच्छी फिल्म के लिए प्लीज़ थिएटर में जाइए, यही रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगती है सर, एक आप लोग 2.5 घंटे में अच्छी हो तो तारीफ कर देते हैं और गाली भी देते हैं, वो 2.5 घंटे की फिल्म को बनाने के मुझे हम लोगों को 6 महीने की मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी पर्दे की फिल्में तो बड़े पर्दे में अच्छी, यूट्यूब का इंतजार मत कीजिए, देखिए यूट्यूब में भी बट फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर में जाइए, उसका मजा ही कुछ और है, और अच्छी फिल्म है तो उसको आप लोग प्रोत्साहन दीजिएगा तो हम लोगों को और हम लोग और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, यही एक अनुरोध है हमारे भोजपुरी श्रोताओं से। और क्या धर्म जी धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और लाल बाबू पंडित जी हैं इन्होंने अपनी बातें खुलकर आपके सामने रखी हैं, अगर इनसे आपके कोई सवाल बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुँचा दें, आप बने रहें हिंदी रश के साथ। नमस्ते नमस्ते।